टिकटॉक के सुपरस्टार तो है ही, खुश ये मियां बीवी भी हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी भी हुई और सदमा भी हुआ। हाल ही में इनकी शादी हुई है। ओ मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, और मुबारक हो जी आपको। अफसोस हंसी आप इनकी जोड़ी टिकटॉक की वजह से बनी, और ज्यादा जुड़ जुड़ के बैठने से भी जोड़े बन जाते हैं। चलिए यहाँ से अगर हम शुरू करें कि माशाल्लाह कितने फॉलोअर्स हैं कमल साहिबा आपके और जुल्करन भाई आपके? मेरे हैं 12.7 मिलियन मिलियन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके? मेरे हैं 11.7। अरे अब 8 हो चुके हैं, 11.8 24 मिलियन प्लस है ये। अच्छा अब आपकी शादी हुई ना, अब आपके फॉलोअर्स कम होंगे। वैसे हमारी शादी नहीं हुई, हम कंफर्मेशन दे दें कि हमारी शादी नहीं हुई, हमारा निकाह हुआ है। हाँ, अच्छा, रुख्सती उस वक्त कीजिएगा जब ये लड़का जवान हो जाए, क्योंकि जिद्दा के कादे घोड़े पे बह नहीं सकते। क्या उम्र है आपकी? 25 ईयर हो जाएगी इसी साल में। इसी साल माशाल्लाह। अच्छा लेकिन 25 साल कुछ भी नहीं गए यार। मैंने अपने आप को फिट रखा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा कम लगती है। फिट तो हम भी हैं, ये देखें। हाँ आपकी तो काफी फिटिंग है। उनमें और आप में थोड़ा सा फर्क है। कितना? वो स्मार्ट है, आपकी पैकिंग की। एज बता रहे हैं, जैसे कमल आपने कहा छोटा है, जूनियर है, वीडियोस उसके साथ प्रोफाइल के लिए बनाती हूँ, फिर आपने निकाह कर लिया। आपको भी पता होगा कि आजकल एडिटिंग मतलब एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दे दे। तो हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे रात में कि मुझे एक वेब चैनल की लड़की ने पूछा कि हु इज हारिस अली फॉर यू। तो मैंने कहा कि हारिस मेरा भाई है, छोटा भाई है, जूनियर है, और मैं वीडियो वैसी बना लेती हूँ। अगर वो मुझे कहता है कि कवल आओ वीडियो बनाओ, तो अगर मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगी तो मियां बीवी तो नहीं बन जाएंगे ना, कपल तो नहीं बन जाएंगे ना। तो ये था। फिर उसने पूछा कि हु इज जुल्करनैन फॉर यू। मैंने कहा ही इज एवरीथिंग फॉर मी। उसने कहा कि आप लोगों की मंगनी हो चुकी है, उन दिनों में नहीं हुई थी और घर वालों को भी नहीं पता था। तो मैंने कहा मंगनी तो नहीं हुई, आप लोग ही करवा रहे हो, अगर घर वालों को ये बात पता चल गई तो चित्तर पड़ेंगे। अब वो हु इज जुल्करनैन फॉर यू उसको करके और आगे हारिस वाला कट लगा दिया, आगे उसका कट लगा दिया। हालांकि उस वीडियो में कट था, लेकिन वो बहुत फेमस हुई सोशल मीडिया पे, और उस बंदी ने अपना इंटरव्यू भी डिलीट कर दिया। हाँ उसने डिलीट कर दिया। तो ये फेम कैसे हैंडल कर रहे हो आप लोग? ऐसे ऐसे कोई कहता भाई कह रही हो, कोई कहता बहन कह रही हो, कोई कहता भड़ी है, कोई कहता आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल जो कहता है देखिए निकाह कर लिया मैंने, कबूल है कबूल है कबूल है कह लिया। अरे वाह वाह, निकाह कर लिया। वाह वाह, क्या बात क्या बात। तो जल्दी जो तुम फीडर छोड़ो तो फिर रुख्सती कर लो। एक बात बताइए, ये कैसे टिकटॉक का आगाज कैसे हुआ? आउट ऑफ द ब्लू बन गए स्टार्स, ये क्या हो गया? थोड़ा सा तो इसके बारे में बताइए ताकि फिर हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। हुआ दरअसल ये कि एक तो हम लोग तो अपनी वीडियोस बनाते ही थे, आज से 2 साल पहले मैंने शुरू की थी वीडियो। मजाक मजाक में शुरू हुआ जी, मजाक मजाक में। अच्छा। तो मेरा छोटा भाई बनाता था, फिर उससे देखते हुए मैंने बनानी शुरू कर दी वीडियोस, और 1.5-2 महीने के बाद मेरी एक वीडियो काफी वायरल हुई, मतलब वो जो व्यूअरशिप बर्तन डाल के सर पे। हाँ, रमीज राजा और इस तरह वो आपने उस पे लिप सिंक किया हुआ है जिसमें आप सरफराज कह रहे हैं कि विकेट कीपिंग एंड ऑल दैट, दैट वाज अ सुपर्ब। अच्छा वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो न्यूज चैनल पे चली थी, काफी ज्यादा न्यूज चैनल्स पे। okay. और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था, यार मेरी वीडियो न्यूज चैनल पे चल रही है, न्यूज चैनल पे। अच्छा। चल रही है, और तब से ही ये सफर शुरू हो गया आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर कहते हैं ना कि जब अल्लाह ने इज्जत देनी हो तो फिर इंसान को बिल्कुल पता ही नहीं चलता, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। फिर अल्लाह ने इज्जत भी दे दी और कवल। और आपकी कौन सी वीडियो थी जो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई? मेरा जब 1 मिलियन हो गया तो आई स्वेयर मुझे नहीं पता था 1 मिलियन क्या होता है। मैंने कहा वैसे ही लगा दिया गलती से, टिकटॉक वालों ने लगा दिया। और जुल्करनैन ने भी उस टाइम मुझे सियालकोट में फर्स्ट टाइम देखा, तो जुल्करनैन ने पूछा कि ये लड़की कौन है। तो हाँ, मैं जानता नहीं था, मैंने कहा ये कौन है लड़की, ये कौन है? बड़ों के बारे में जानती थी इसे, बड़ों के बारे में नहीं पूछते। फिर बंदा वक्त में पड़ जाता। अच्छा आपने पूछा था कि कैसे हैंडल कर रहे हैं, जैसे पेट हैंडल हो रहा है वैसे ही मैं। जुल्करनैन जब टिकटॉक पे आपका नाम इस्तेमाल करके एक लड़की ने बहुत फॉलोअर्स लिया था, आपने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहा। अच्छा एक टर्किश अदाकार के साथ
एक टिकटॉकर का फ्रॉड खबरों की जिनत बना। हाँ। जी जी। फिर उसके बाद आदिल नहीं रहे, फिर उसके बाद एक टिकटॉक स्टार की मौत और 5 मिलियन फॉलोअर्स नोबडी देयर के वो उनकी लाश रिसीव करे, तो ये खुराफात भी तो टिकटॉक की बदौलत ही है ना। आप कितना नेगेटिविटी से बच सकते हैं, कितना बच सकते हैं? नहीं, दरअसल ये है कि अगर वो लड़की की आपने बात की कि उसने मेरा नाम यूज किया है, एक तो उन दिनों मेरे अम्मी अब्बू भी कह रहे थे यार ये तुमने क्या इसको चेन दी है, अच्छा वो कैसी वीडियो बना रही है, जुल्कनैन ये याद है तुमने मुझे चेन दी थी, मुझे पता भी नहीं उसने घड़ी दी थी, घड़ी, हाँ घड़ी भी दी, चेन दी, और गोलगप्पे खा रही है बैठ के, ये याद है मुझे नहीं कभी खिलाया, उसको खिलाया इसने गोलगप्पे, आपको गोलगप्पे नहीं खिलाए? ना ना, मुझे तो फोन तक नहीं दिया, उसे चेन भी दे दी, मैं तो इससे फोन करके पूछ रही थी कि भाई तू उसे क्यों दे रहे हो, मुझे दो। थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे आप दोनों, जी जी, कितना कितना पढ़े हुए हैं? जी मैं बैचलर हूँ, मैंने मैथ्स कॉम में मैं बैचलर की डिग्री हासिल की, उसके बाद मैं लॉ कर रहा था। ओके, और आप? और मेरा इसी साल बीएस कंप्लीट हुआ है, मैथ्स कम्युनिकेशन। पर पोस्ट क्या आजकल रेट चल रहा है? वेगली आपको ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, उसी लिहाज से आपको पैसे ऑफर होते हैं। अच्छा, वो एक डायलॉग था ना, आए हैं ते छा गए ठा करके, टिकटॉक ऐसे ही आया है जिंदगियों में जैसे इनकलाब आ गया। अच्छा, मीनवाइल कोरोना आया तो आप लोगों को गवर्नर हाउस में इनवाइट किया गया, कोरोना आ गई मुहिम के सिलसिले में आप लोगों की बहुत ट्रोलिंग हुई कि आप टिकटॉकर्स बताएंगे कोरोना से कैसे बचना है, ऐसे ही आप लोगों ने फिर कोरोना से कैसे बचाया? अच्छा, कैसे बचाया, मुझे काफी न्यूज वालों ने भी लिया उन दिनों में इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने कहा कि अब टिकटॉकर्स बताएंगे कि कोरोना से कैसे बचना है। मैंने कहा जबकि हर चैनल पे चल रहा है कि एक कौम बनके हम फाइट करेंगे तो कोरोना से बचेंगे, तो टिकटॉकर्स भी वो एक कौम में ही आ रहे हैं। वो मैं जितने भी फैमिलीज मिलती थी ना, उनमें बड़े एज के जितने भी लोग होते थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे यार आप वो बच्चे हो जिनकी वजह से कोरोना की वजह से सब कुछ बनता, हम बाहर नहीं जा सकते थे तो हम आपकी वीडियो देखते थे और स्माइल आ जाती थी हमारे फेस पे, तो बड़ों के चेहरे पे अगर स्माइल आ रही है हमारी वजह से तो इससे बड़ी नेमत क्या है हमारे। गवर्नर साहब ने तो बुलाया, उसके बाद जो एहतजाज हुआ वो तो हुआ, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी बुलाना चाह रहे थे आप लोगों को, लेकिन इस एहतजाज और क्रिटिसिज्म की वजह से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वो खुद घबरा गए ना, वो खुद घबरा इससे पहले कि जी सरकार का ये एपिसोड मजीद पकड़े, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, छोटा सा एक वक्फा ले लेते हैं। सरकार में एक मरतबा फिर से खुशामदीद, मुलाकातों का सिलसिला कब शुरू हुआ? मुलाकात यही थी कि स्टार्टिंग में कि हम लोग कभी कभार काम के सिलसिले में किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट में गए, काम के सिलसिले में वहाँ ही हमारी मुलाकात। और ये बात वालिदैन तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई? मैंने तो पहुंचा दी थी। हाँ, कमल ने पहुंचा दी थी, मैंने थोड़ा लेट पहुंचाई बात, वो सेहत का भी मामला है ना। आजकल तो वालदैन भी टिकटॉक देखते हैं जी, आपे ही पता लग गया होना है। मैं ये समझता हूँ कि जब मोहब्बत की है तो फिर सोचना किस बात का, उसको सोचना तो अभी आपको आगे पड़ेगा, अभी तो मोहब्बत। आप शादी शुदा हैं जी? आप शादी शुदा हैं? काफी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इनका हेयर स्टाइल एग्जैक्टली आप वाला था। हाँ जी, सोच लेता हूँ ना कितने साल तक मेरा ये हाल होगा। साल नहीं होते, ये तो लम्हे में होता है। लम्हों की बात है, लम्हों की बात है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब तक बच्चा स्पेशली लड़का अपना खर्चा उठाने के काबिल ना हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं आप टिकटॉक से ही उठा सकते हैं, तो आपने ये स्टेप उठाया? जी जी बिल्कुल, तभी आपके वालिदैन ने ये आपको इजाजत दी कि हाँ निकाह कर लीजिए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की और अपने पार्टनर की या घर वालों की उठा सकता था तभी मेरे वालिदैन ने इजाजत दी। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है, तो अगर कल को बैन लग जाता है टिकटॉक के ऊपर, जो कि लगा दो दफा पहले भी लगा, तो फिर हाउ विल यू मेंटेन दिस लाइफ? जब हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे से हमारी बातचीत हुई थी इकट्ठे, जब मुलाकात हुई थी तो हमने यही बात की थी कि मैंने नहीं देखा तुम्हारे पास क्या है, ना उसने देखा मेरे पास मेरे क्या पास है, बस हमने ये कहा है कि सिर्फ, अरूज... सिर्फ आप लोगों ने फॉलोअर्स देखे कि किसके पास कितने ये भी नहीं देखे, ये भी नहीं देखे, ये भी नहीं देखे, इन्होंने एक दूसरे ने कहा ना तुम्हारे पास क्या, उनका मेरे पास फॉलोअर्स। अच्छा, अगर आप इनको कोई इनके साथ कोई टिकटॉक बनाए, बनाऊं क्यों, मुझे क्या जरूरत है?
इसका मतलब है आप एनिमल्स के साथ इंटरेस्टेड कोशिश करें कि एक दूसरे की तजलील ना करें और जानवरों को जलील तो बिल्कुल ना करें। मुझे एक बात